भाई लोग कैसे हो। सो गाइस आज की इस वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हिम्मत सिंह न्यू इंस्टाग्राम वायरल फोटो एडिटिंग। सो गाइस इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो एडिटिंग। सो गाइस देख सकते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे इस तरीके से क्रिएट की गई है कॉन्सेप्ट को। सो गाइस आप लोग भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो, वो भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, PNG लगाना नहीं पड़ेगा। बस एक ट्रिक है, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के मदद से आप लोग इस तरह के से कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से क्रिएट करने वाले हो। जैसे कि इंस्टाग्राम में लिखा होता है बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग लिख पाओगे। सो गाइस बहुत ही मेहनत लगा है इस ट्रिक को ढूंढने के लिए। सो गाइस आप लोग को इस वीडियो को लाइक कर देना है और बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग की इस तरह की एडिटिंग हो जाएगी। सो गाइस आप एक न्यू पोस्ट मारकर भी आप लोग नया क्रिएट कर सकते हो, नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो मेरे बताए गए ट्रिक्स। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को इंस्टाग्राम पर आ जाना है। इंस्टाग्राम पर आने के बाद सिंपली आप लोग को सर्च कर देना है आप लोग की जो आईडी है, उस आईडी को आप लोग को सर्च करने के बाद आप लोग की प्रोफाइल आ जाएगी। आप लोग प्रोफाइल पर जाकर भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। सो गाइस सिंपली आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लेना है। स्क्रीनशॉट मारने के बाद सिंपली आप लोग को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप लोग को बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना होगा। बैकग्राउंड HD क्वालिटी में है, आप लोग जाके यूज़ कर सकते हो इस वाले बैकग्राउंड को। सो गाइस बैकग्राउंड इरेज करना अगर आपको नहीं आता, मॉडल की PNG क्रिएट करना अगर आपको नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन में हेल्पफुल सेक्शन में लिंक दे रखा है, आप सब जाके देख सकते हो बैकग्राउंड का मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। और मैंने बैकग्राउंड का जो मॉडल जो PNG क्रिएट कर लिया है, और हमें रियलिस्टिक शैडो क्रिएट करेंगे। रियलिस्टिक शैडो क्रिएट करने के लिए मैंने एक PNG बना रखा है। इस PNG को आप लोग ऐसे ही इस तरीके से सेट कर लोगे, आप लोग की शैडो रियलिस्टिक लगेगी। कैपेसिटी का आप लोग को हल्का सा लो करना है, देख सकते हो बहुत ही ऑसम सी लग रही है और बहुत ही शानदार सी क्रिएट हो चुकी है। हमारी शैडो भी परफेक्ट लग चुका है और सिंपली हम लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जैसे लिखा होता है उसी तरीके से लिखेंगे। और आपको लिखना नहीं पड़ेगा गाइस, मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आप लोग एडिटिंग करोगे। ओके सो गाइस सिंपली आप लोग को इस तरीके से स्क्रीनशॉट को ले आना है आर्ट फोटो में जाकर। उसके बाद आप लोग की नेम जो है उसको क्रॉप करना है कुछ इसी तरीके से। नेम को आप लोग को क्रॉप कर देने के बाद सिंपली आप लोग को इस तरीके से, जैसे ही मैं क्रॉप कर रहा हूँ आप सब लोग इस तरीके से क्रॉप कर लीजिए। और उसके बाद आप लोग को इस तरीके से जाने के बाद कर देना होगा। उसके बाद आप लोग को जाना है इफेक्ट्स ऑप्शन में। इफेक्ट्स ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से कलर्स में आप लोग आना है। कलर्स में आने के बाद आपको मिलेगा नेगेटिव। गाइस इस नेगेटिव को आप लोग को चूज कर देना है। जैसे ही चूज करेंगे ये कुछ व्हाइट कलर सा हो जाएगा। सो गाइस हम लोग नेगेटिव को चूज करने के बाद डन करते हैं। उसके बाद फिर से आप लोग को जाना है इफेक्ट्स में। ओके याद रखिएगा, फिर से आप लोग को भी जाना है इफेक्ट्स में, फिर से आप लोग को कलर्स में आना है। और उसके बाद आप फिर से नेगेटिव चूज कीजिए, दो बार नेगेटिव आप लोग चूज कीजिए। और नेगेटिव चूज करने के बाद गाइस देख सकते हो बैकग्राउंड आप लोग को व्हाइट हो चुका है। आप लोग की जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम इंस्टाग्राम की टेक्स्ट की तरह आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इफेक्ट्स ऑप्शन आपको जाना है ब्लेंड ऑप्शन में। ब्लेंड ऑप्शन में जाने के बाद आपको डार्कन ऑप्शन चूज करना है। गाइस डार्कन ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ से चूज कर देना है। और जैसे ही चूज करेंगे आप लोग की ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट हो जाएगी गाइस इस तरीके से। और गाइस जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। सो गाइस ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगेगा आप सब जगह हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। और उसी तरीके से हम लोग इसे इरेज कर लेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। और यहाँ से बहुत ही ऑसम तरीके से हमारे टेक्स्ट ऐड हो चुके हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे बना हुआ था, और बिल्कुल सेम टू सेम हमारे टेक्स्ट ऐड हो चुके हैं गाइस। और सिंपली फिर से हम लोग जाएंगे और भी टेक्स्ट हमें ऐड करना है, जैसे कि 500K फॉलोअर्स। और हिम्मत सिंह भाई का हो चुका है 500K फॉलोअर्स और उन्होंने इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है प्रोफाइल के साथ। और आप भी इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो आपके फॉलोअर्स के साथ, जैसे कि प्रोफाइल के साथ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग की एडिटिंग हो जाएगी। सो गाइस सिंपली मैं ऐसे नेगेटिव करता हूँ। जैसे ही आप लोग नेगेटिव करेंगे आप लोग की फोटो ब्लैक हो जाएगी। उसे व्हाइट करने के लिए आप लोग इफेक्ट्स में आ जाइए। फिर से इफेक्ट्स में आने के बाद उसे नेगेटिव कर लीजिए। जो बार आप लोग नेगेटिव करेंगे तो आप लोग की फोटो इसी तरीके से बन जाएगी गाइस। सो गाइस बनने के बाद सिंपली आप लोग को जाना है ब्लेंड ऑप्शन में और उसके बाद डार्कन ऑप्शन को चूज कर देना है। डार्कन पे जैसे ही चूज करेंगे आप लोग की एडिटिंग शानदार तरीके से लगने लगेगी। सो गाइस ऐसे ही करना है आप लोगों को। और वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप लोग की एडिटिंग में अधूरी रह जाएगी। अधूरा एडिटिंग देखेंगे तो आप लोग की एडिटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और आधा ट्रिक देखकर जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में
पूरा का पूरा ट्रिक देख कर जाइए, तभी आप लोग की एडिटिंग कंप्लीट तरीके से हो पाएगी। सो गाइस जी, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पीएन जो बना हुआ था गेमिंग लोगो, उसी तरीके से यूट्यूब इसी तरीके से हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। और सिंपली हम लोग को यहाँ से क्रॉप कर देंगे, जैसे ही हम लोग इसी तरीके से क्रॉप कर लेंगे स्क्रीनशॉट को, और इस लोगों की बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है। आप सब बिल्कुल सेम टू सेम मेरे स्टेप बताएंगे, स्टेप को फॉलो कीजिए और आप लोग भी इसी तरीके से एडिटिंग कर पाएंगे गाइस। सो गाइस यहाँ से देखिए मैंने क्रिएट कर लिया है, यहाँ से इफेक्ट्स में चला जाता हूँ और कलर्स में आ जाता हूँ, और उसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे नेगेटिव। गाइस नेगेटिव जैसे ही हम लोग चूज़ करेंगे, देखिए ब्लैक हो चुका है बैकग्राउंड, और बैक को वाइट करने के लिए फिर से हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स ऑप्शन में, फिर से हम लोग यूज़ करेंगे नेगेटिव को। नेगेटिव को जैसे ही यूज़ करेंगे आप लोग की बैकग्राउंड वाइट हो जाएगी, और वाइट बैकग्राउंड को हम लोग डार्कन करने के लिए यूज़ करेंगे ब्लेंड ऑप्शन के डार्कन ऑप्शन को। ओके, सिंपली हम लोग ब्लेंड ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, और उसके बाद आप लोग को डार्कन ऑप्शन मिल जाए करेगी, डार्कन को चूज़ कर देंगे तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से ये शेड होने वाली है। सो गाइस इसी तरीके से आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो, और अपनी फ़ोटो को भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्रिएट करके एडिट कर सकते हो, और ये बहुत ही ऑसम सी कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो। And all the-